दादाजी, ये इस बोतल में क्या है? बेटा, इसमें एक टॉनिक है जिसका नाम है सहारा टॉनिक। इसको मैंने अपने सैनिक भाइयों के लिए बनाया था। इसकी खास बात ये है कि इसको पीकर किसी भी इंसान की पावर उसकी असली पावर से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का टॉनिक है। दादाजी, क्या मैं ये टॉनिक पीकर देख सकता हूँ? चुलबुल बेटा, तुम तो वैसे ही इतने हेल्दी और ताकतवर हो, तुम्हें इस टॉनिक की क्या जरूरत है? तुम्हारी नेचुरल पावर ही काफी है। ओके ओके दादाजी, अगर वो टॉनिक मैं पी लूं तो 100 गुना शक्तिशाली हो जाऊंगा। 100 गुना महाराज की जय हो। जब सपना इतना हसीन था तो हकीकत कितनी हसीन होगी। अगर मैं वो टॉनिक पी लूं तो सचमुच जंगल का राजा बन सकता हूँ। नन्हे मुन्हे बालक, हमें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। आज से हम सवाल करेंगे और लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम हैं चुलबुल द जंगल किंग। दादाजी, दादाजी। आज तुम्हें सबसे बदला लूंगा जो भी मुझे तंग करते थे। जब जंगल के राजा आते हैं तो प्रजा उन्हें सल्यूट करती है और तुम मजे से सब्जी बेच रहे हो। कम अकल कम दिमाग बदतमीज इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहा है? अरे चुलबुल ये क्या किया? अबे तो हार के बताता हूँ, तुम्हारा चुलबुल ने हमारे सारी सब्जी गिरा दी है। अब सारा पैसा जो है हम तुमसे लूंगा। लाओ हमारे पैसे। अब आप दादाजी से ही हिसाब किताब कर लो। चुलबुल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे। वाह, क्या कैच पकड़ा है! कुछ भी कहो, क्रोस के कैचिंग पावर भी कमाल की होती है। लेकिन ये कौवे लोग इतना शोर क्यों करते हैं? वो शोर नहीं करते, बल्कि आपस में बातें करते हैं। उनकी बातें हमें शोर लगती हैं। तुमने ठीक कहा वीर, हर एनिमल और बर्ड इवन इंसेक्ट्स की अपनी भाषा होती है। ये लो। अब जम के ब्रेकफास्ट करो तुम लोग। लगता है आज जॉगिंग थोड़ी कम हुई है, कल कुछ ज्यादा करूंगा। ओए, ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ओए, एक्स्ट्रा जॉगिंग कल करनी है, आज नहीं। बचाओ बचाओ, अरे भाग मिस्टर चड्ढा, भाग। अबे फिर से मिस्टर चड्ढा के साथ क्या हुआ? मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस। मोना, यू आर राइट, मैं जीनियस हूँ। अब देखो मेरे सुपर डुपर जीनियस माइंड का कमाल। टिम्बक्टू। यस बॉस। जाओ तुम मेरे बनाए हुए सारे बलून्स लेकर आओ। ये देखिए बॉस, ये रहे आपके बलून्स। अब बताओ तुम क्या करोगे? सोचो और सोच के बताओ। बॉस, मैं समझ गया, हम लोग आज से बलून बेचने का नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं बॉस। हम बलून नहीं बेच रहे कद्दू इंसान, इन बलून के ऊपर बॉम्ब है और बलून्स में जहरीली गैस। तुम इसे फुर्सतगंज में रख देना और दूर जाके रिमोट से इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना। यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस बॉस। ब्लास्ट से बलून्स फट जाएंगे और जहरीली गैस
पूरे शहर में फैल जाएगी। यस यस, तुमने ठीक सोचा मोना, सब खत्म हो जाएंगे, बस एक रोबोट ही बचेगा, उस पे जहरीली गैस का असर नहीं होगा, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। दीप, वो देखो बलून। अंकल बलून दो। दादाजी की पैकिंग होते ही हम चल देंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम इमली के गांव घूमने जा रहे हैं। दादाजी, ये है हमारा गांव राजपुर। बड़ा ही खूबसूरत गांव है। वाओ, यहाँ बहुत मजा आएगा। हाय मोती, कैसे हो? I missed you. ये हमारा प्यारा डॉगी मोती है, बहुत ही प्यार करता है हम सबसे। मोती बस करो, चलो अब अंदर जाओ, चलो अंदर। ओहो, कितना सुंदर गांव है, यहाँ भागने दौड़ने के लिए कितनी जगह है। ओए बचाओ, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। अरे कोई इस डॉग को बताओ, मेहमानों से इस तरह बिहेव करना बैड मैनर्स होता है। मोती किसी को काटता नहीं, वो भी चुलबुल के साथ खेल रहा है। यहाँ की सब्जियों का टेस्ट ही अलग है, कितनी फ्रेश और स्वादिष्ट है। इस गांव की गाजर बहुत स्वादिष्ट है। हमारे खेत की सब्जियां हैं। मालिक, लल्लन डाकू आ गया। ओह नो, इनको भी अभी आना था, कुछ दिन बाद नहीं आ सकते थे। कौन है वो लोग? वो लल्लन डाकू है, गांव वाले इससे बहुत परेशान हैं। हर महीने आता है, अनाज रुपया पैसा लेकर जाता है। आप लोग उसे देते क्यों हैं? नहीं दिया तो लोगों को किडनैप करके ले जाता है, जानवरों को उठा ले जाता है। बहुत ही खतरनाक डाकू है ये, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाती। चलिए बाहर चल के देखते हैं। बच्चों तुम अंदर ही रहो, हम जाते हैं बाहर। लल्लन जी, ये गलत बात है, आपको इस तरह गांव वालों को तंग नहीं करना चाहिए, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। ये गांव में कौन सा नया चेहरा आ गया है रे? हैं? आओ वीर, केले खा लो, मैं बहुत सारे केले लाया हूँ। दादाजी, आप गाजर नहीं लाए? सॉरी चुलबुल, मैं गाजर लाना भूल गया, शाम को गाजर ले आऊंगा। शाम को नहीं दादाजी, हम सब तो अभी गोवा जा रहे हैं, बस तो आने ही वाली है। हाँ दादाजी, कितना मजा आएगा, हम सब की फैमिलीज एक साथ गोवा जा रही है। लाइए दादाजी, केले मैं खा लेता हूँ। जिंटू, सड़क पे केले के छिलके फेंकना गलत बात है, कोई फिसल के गिर गया तो? चलो उठाओ सब छिलके। अजय सुनते हो, बंटी के पापा, नाश्ता तो कर लो। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, गोवा जाते समय बस में खाने के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। ये क्या हो रहा है? कितनी भी क्या जल्दी है, कार तो ले जाओ। बड़ा
भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? बस 2-4 किलोमीटर आगे उतर जाऊंगा। आइए। धन्यवाद। चुलबुल, तुम ये क्या सूंघ रहे हो? इसकी पोटली में सांप की स्मेल आ रही है। क्यों अंकल, आपकी पोटली में सांप है क्या? अरे रुको रुको, मेरी टोकरी वापस करो। फिर इसमें क्या है? हाँ, इसमें तो सांप है। सांप है, इसमें सांप है बंटी। अरे मुझे क्यों दे दी ये आफत की टोकरी? अरे रुको रुको, मेरी टोकरी वापस करो। रुको, तुम अभी इसी वक्त उतर जाओ। Are you ready? Yes, चलो चले। वीर, अपना ख्याल रखना। ये एक्स्ट्रा बैटरी रख लो बैग में, वहाँ तुम्हारी चार्जिंग कौन करेगा? ये बैटरी काम आएगी। और ध्यान रहे, कोई ऐसी हरकत मत करना कि किसी को तुम पे किसी भी तरह का शक हो। ओके दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं भी जाऊंगा। दादाजी कहो ना वीर अपने स्कूल कैंप में मुझे भी ले चले। नहीं चुलबुल, तुम नहीं जा सकते। जिंटू और तुम दोनों साथ खेलना। तक धिना धिन धिन, तक धिना धिन धिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। तक धिना धिन धिन, तक धिना धिन धिन। मैं 2 दिन 1 रात के लिए नीली झील के किनारे स्कूल कैंप जा रहा हूँ। क्योंकि मैं वीर के साथ नहीं जा सकता, इसलिए वीर चाहता है कि तुम मुझे वहाँ ले जाओ। ओके बॉस। जिंटू, अरे सुनो तो। ये चुलबुल बहुत चालाक है। तुम सबको स्कूल में सिखाया गया है कि टेंट कैसे लगाते हैं। अब टेंट लगाने का कंपटीशन है, जो पहले लगाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। नो चीटिंग वरना आई विल सी यू। Ready, go! जल्दी जल्दी करो। बंटी चीटिंग कर रहा है। सर, मेरा टेंट लग गया सर। वेरी गुड बंटी, वेरी गुड। क्या इन्हें ढूंढ रहे हो? मेरी तरफ पड़े थे। तुम चीटर हो, तुमने चीटिंग की है, तुमने ये जानबूझ के छुपाए थे। हाँ, चीटिंग की है। क्या कर लोगे तुम? खट्टी मीठी इमली। बंटी से पंगा लेगा ना तो बंटी तुम्हारी घंटी बजा देगा। टिंग। मुझे डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट मिलेगा कि नहीं? म्याऊ, मिलेगा बॉस, जरूर मिलेगा। यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। आपसे वो कब तक बचेगा? म्याऊ। वो दिन आ गया बॉस, वो दिन आ गया। इनसे मिलिए, जादूगर गायब सिंह, दुनिया के महान जादूगर। जादूगर गायब सिंह, मैं डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा हूँ, और इसे जादू का शो देखना है। बॉस, ये जादूगर डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट को पकड़ के लाएंगे। जादूगर गायब सिंह, जरा अपने जादू का एक नमूना तो दिखाओ। मैं जादू के शो में ऐसा हंगामा करवाऊंगा कि उस रोबोट को वहां आना ही होगा, और फिर मैं गायब होकर उसे पीछे से पकड़ कर ले आऊंगा। बॉस, बॉस, हेल्प, इसने मुझे पकड़ लिया है। म्याँ, म्याँ, म्याँ।
Mad Max is glad. Very, very glad. जा, जा और उस रोबोट को पकड़ के लाओ। जा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये शो फ्री क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं बचपन में फुर्सतगंज में रह चुका हूँ और आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। मैं यहाँ हूँ। मेरा पर्स कहाँ गया? मेरी भी जेब किसी ने काट ली। मेरा हार चोरी हो गया। मेरा हार चोरी हो गया। लोग कहते हैं कि आप फ्री शो दिखाते हैं और जादू से लोगों के रुपए पैसे जेवर चुरा लेते हैं। ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है।